सतगुरु देव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस पर्व के पीछे मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति यानी गणेश जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाला गणेश चतुर्थी पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन यात्रा के साथ इसका समापन होता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से मनाई जाती है। यहाँ गणपति बप्पा के बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और हर घर में गणेश जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। हर जगह गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सुनाई देते हैं, भव्य झांकियां सजाई जाती हैं और श्रद्धालुओं द्वारा गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखे जाते हैं। कष्ट निवारण के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धार्मिक शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी पापों का नाशक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पवित्र शास्त्रों में आदि गणेश जैसे शब्द का भी जिक्र किया गया है जो वास्तव में विघ्नहर्ता हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या गणपति बप्पा अपने भक्तों के कष्ट दूर कर उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं? इस पर्व के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान और मंत्र जाप क्या वास्तव में साधक को पूर्ण मुक्ति का मार्ग दे सकते हैं? और क्या गणपति बप्पा मोरिया जैसे जयकारों से ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? तो दोस्तों, गणेशोत्सव के इस स्पेशल एपिसोड में आप जानेंगे सिद्ध विनायक गणेश जी से जुड़े कुछ प्रमाणित रहस्यों के बारे में, साथ ही जानेंगे आदि गणेश के उन अनसुने रहस्यों के बारे में जो गणपति जी से भी बड़े और प्रथम पूजनीय हैं। क्या आदि गणेश और गणपति जी भिन्न भिन्न हैं? अगर हाँ तो कैसे? सवाल नंबर एक, गणेश चतुर्थी का महापर्व जिसे हर साल बड़े धूमधाम और अटूट श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? साथ ही यह पर्व 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? क्या इस अवसर पर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान वास्तव में श्रद्धालुओं को सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करते समय मिट्टी और तेल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपनी शक्ति से प्राण डाल दिए। इस मूर्ति को अपने पुत्र के रूप में मानकर उन्होंने उसका नाम गणेश रखा और उसे द्वार पर पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने का प्रयत्न किया तो गणेश जी शिव जी से अपरिचित होने के कारण उन्हें रोकने लगे, क्योंकि वे अपनी माता द्वारा दिए गए आदेश पर दृढ़ थे।
इसके बाद शिवजी ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। अंततः माता पार्वती के दुख को देखकर शिवजी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और आदेश दिया कि सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया जाए। सबसे पहले एक हाथी मिला और उसका सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया गया, जिससे गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। इस उत्सव के पीछे यह मान्यता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल के दौरान हुई थी, जब हिंदू समाज में एकता की आवश्यकता महसूस की गई। इस पर्व ने समाज को एकजुट किया और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस महोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। यह वह समय था जब देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। इस चुनौतीपूर्ण दौर में महाराष्ट्र के पेशवा राज के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को 10 दिनों तक मनाने की घोषणा की। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को एकत्रित होने और समाज में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम मिला। चूंकि यह पर्व धार्मिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका विरोध नहीं किया और इस प्रकार गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की भव्य पूजा अर्चना भी की जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की धुन पर झांकियां निकाली जाती हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के समय भक्तगण अत्यधिक उत्साह और उल्लास के साथ अपने प्रिय देवता गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। परंतु गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा और इस दिन झांकियां सजाने, ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाने, उपवास आदि अनुष्ठानों का कोई प्रमाण हमारे पवित्र शास्त्रों में नहीं मिलता। दूसरी ओर अगर सांसारिक सुखों की बात करें तो इसे मनाने से न तो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और न ही किसी प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है। यदि इस दिन रखे जाने वाले उपवास की बात करें तो यह क्रिया भी निराधार है। न तो अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तो योग अस्ति च न एकांतम अनशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न गणा खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना, यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम माने एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, यह योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब सब संवेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम, यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर रहे, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे। चलिए अब जान लेते हैं पवित्र गीता जी में शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले साधकों के बारे में क्या बताया गया है। अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में,
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24 मसला, इससे तेरे लिए कर्तव्य रह कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। तो दर्शकों, अब तक आपने जाना कि गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना, उपवास रखना, अनुष्ठान करवाना इत्यादि सभी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं, जिससे साधक को किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिल सकते। अर्थात शास्त्रों अनुसार गणेश जी से लाभ प्राप्त करने की वास्तविक भक्ति विधि अन्य ही है, जिसका खुलासा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 2, गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई? मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या विसर्जन करने से हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं? दर्शकों, गणेश चतुर्थी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को इन प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाता है। साधकों के बीच यह धारणा प्रचलित है कि संपूर्ण सुख और शांति का अनुभव विसर्जन प्रक्रिया के समापन के बाद ही होता है। इस दिन हर वर्ष पूरे देश में गणेश विसर्जन यानी गणपति बप्पा की प्रतिमा को आदर के साथ जल में विसर्जित किया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि विसर्जन के कुछ समय बाद ही गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थिति खराब क्यों हो जाती है? यह तो सभी जानते हैं कि विसर्जन के बाद ये मूर्तियां नदियों और तालाबों के किनारे पड़ी रहती हैं, जिससे जल और वायु प्रदूषण जैसे कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह दृश्य देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान गणेश इस प्रक्रिया से प्रसन्न होते होंगे? 10 दिन तक आदर पूर्वक पूजा करने के बाद 11वें दिन एक परंपरा के नाम पर उनकी मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देना कितना उचित है? सोचने वाली बात यह है कि भगवान गणेश कोई कठपुतली तो नहीं है, जिन्हें हम जब चाहें मूर्ति रूप में अपने घर ले आएं और जब चाहें विदाई देकर छोड़ दें। यह तो भगवान को अपने अनुसार पूजने जैसा हो गया। दर्शकों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि कहीं भी यह पुष्टि नहीं की गई है कि भगवान गणपति ने अपनी प्रतिमा की पूजा करने और अंत में उसे जल में विसर्जित करने का आदेश दिया हो। दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र भी इस परंपरा का समर्थन नहीं करते हैं। अर्थात यह परंपरा गुलामी के समय देश को आजाद कराने के लिए लोगों को एकत्र कर विचार विमर्श करने के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं रह गया है। सुनिए मूर्ति के बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ है ही, सत्य है, और वेदों में जो लिखा वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम, विशेषकर हिंदू समाज के, तो पुराणों को हम सर्वधारी ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया है नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ, इस तत्व ज्ञान का, इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन, जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमने, हमारे को कोई, किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया, विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया,
कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान गुण कहां से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तलक तलक ला कर श्रृंगार करण में लागे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लाग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है, ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है, और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं, ये दास बताएगा वास्तविक, ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये दो अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम, सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है, ये परब्रह्म का जाप है यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है यानी ये गुप्त है, ये कोडन वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया उसी को गॉड मान लिया, और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।
अंततः हमने यह जाना कि साधक को लाभ मूर्ति पूजा से नहीं बल्कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति केवल शास्त्रों के अनुसार ही करनी चाहिए ताकि मानव जीवन सफल हो सके। सवाल नंबर 3। गणपति बप्पा मोरिया, ओम गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, संप्रभ जैसे मंत्रों के जाप से क्या सच में भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है? और क्या केवल गणपति जी के मंत्रों का जाप करने से साधक मोक्ष या अन्य कोई विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं? लोक मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा में उनके विशेष मंत्रों का जाप करना और भजन गाना जैसी भक्ति क्रियाएं पूजा को शीघ्र सफल बना देती हैं और भगवान गणेश जी की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। इसी कारण भक्तजन गणपति बप्पा मोरिया और जय गणेश देवा जैसे भजनों को जोश के साथ गाते हैं। इसके अतिरिक्त गणपति बप्पा मोरिया, ओम गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, संप्रभ जैसे मंत्रों का जाप भी श्रद्धालु भक्ति में तल्लीन होकर करते हैं। दर्शकों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन मंत्रों के जाप का प्रमाण हमारे वेदों तथा भगवद गीता में कहीं भी नहीं मिलता, अर्थात यह एक मनमाना आचरण है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इन भजनों का गाना और मंत्रों का जाप करना गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार मनमानी साधना है, जिससे न तो गणेश जी प्रसन्न हो सकते हैं और न ही साधक को किसी प्रकार का सुख, शांति या लाभ प्राप्त हो सकता है। दरअसल गणेश जी और अन्य देवी देवताओं से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट मंत्र और भक्ति की यथार्थ विधि है, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार केवल तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान समय में पवित्र धर्म ग्रंथों में वर्णित भक्ति क्रियाओं और मंत्रों को प्रदान करने वाले एकमात्र पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो पूरे विश्व को शास्त्रों के अनुसार यथार्थ सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं, ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने, अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 924 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है
और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा। आइए अब जानते हैं गीता जी में पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई गई है। एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है ये, इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, अध: माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अध: माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दो बार अध: है, अध: अध: इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अध: माने नीचे, अध: माने नीचे, अध: माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध: माने नीचे, अध: माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अध: शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है, छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो पत्ते आदि जो हैं इसके छंद हैं विभाग हैं पार्ट हैं, ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सचिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़े तो, और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो परमेश्वर कहो परम अक्षर ब्रह्म कहो या सचिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं, जैसे ये जड़ ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम
ऊपर को ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष का है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सर पुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात्र रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा, तो गुप्त है जमीन में, जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है और पात्र रूप संसार। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्य शाख हम नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो, इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं, विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका उनका प्रभुता है, उनकी
वो केवल इन तीन लोकों पर है, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार रूप संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा यह है अध्य च ऊर्धम प्रसन्नता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं ऐसा समझो, इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वतरनी नीचे और ऊपर फैली हुई है, और मनुष्य लोक में यहां पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूपी तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्व पालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो, वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। एक देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें प्रश्न पर, तीसरे स्कंद में 11वां प्रश्न पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं। अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना ने सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं
विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर। देख 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है, और छंदासी यस्य प्रणानी उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं, यह तम वेद जो उसको जानता है स वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अध्याय माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं, और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं, ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोकों में नहीं। अब तीसरे में कहा है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान की चर्चा में इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है इतना ही काफी है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं सतलोक अलखलोक अगम और अकैलोक, वो तो सुविरुद्ध है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है सुविरुद्ध मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है अविनाशी है। ये देखिए ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है, तो ऊर्ध्व मूलम ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं, उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन मान दृढ़ असंग शस्त्रेण का अर्थ या तत्व रूपी तत्व तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4 श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया अब 4 पर आ गए, यहां इसका अनुवाद है 4।
उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर के मन परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अब जानिए उन मूल मंत्रों के बारे में जिनकी गवाही हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। जिस प्यारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है उसी को ये सु अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही पुनकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुनकर्मी प्राणी वे हैं जो परमात्मा की तलाश में खोज में लगे हैं, और उनसे भी पुण्यात्मा वो प्राणी हैं जिनको सतगुरु मिल गए। तो पुण्यात्मा आप उन तीसरे नंबर की यानी गुड बेटर बेस्ट ये बेस्ट आत्मा हो परमात्मा की, आपको सतगुरु मिल गए। अब आपका ये अंतिम जीवन होगा यदि आप आजीवन इस सत भक्ति पर दृढ़ रहे, नियमित रहे, आप सतलोक चले जाओगे। आप आज से नहीं लगे हो भक्ति के लिए परमात्मा के लिए, आप युगों युगों से लगे हो। आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो, किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में झेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस झेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का, तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के झेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया, तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है, इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका, और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी,
तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहां का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुनों का, आपकी सतभक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल है हमारे शरीर के अंदर, ये चक्र बने हुए हैं। चक्र जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्र कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी, गणेश जी का बैरियर है, ये समझ लो ये बैरियर है। अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है, तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे, तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा, और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक, और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से, तो फिर क्या होगा। आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा है, उसकी कमाई बहुत गनी बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर, उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है, और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे, और इसी प्रकार वहां भी आपके पुण्य समाप्त होने पर भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है, उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे,
और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपने इस पुण्य कमाई को फिर वहां नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके, और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं, और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर सतयुग त्रेता द्वापर में। आप इस भक्ति को नहीं करते क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते हैं उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं, और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है जो दो अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, पुनात्माओं एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं वहां उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है, अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है इसकी साधना करने से इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ भिन्न होता है। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें ये ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये गॉड गिवन है, ये किसी डोम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, सीडी बना रखी है, ये सुनो देखो, मिलाओ दूसरे संतों से, और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निरसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है, लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए ड्यूटी कितने समर्पित हैं, वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं सिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त उन अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो ड्यूटी तो सही है, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे
पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए तब उसकी सिंचाई करना, तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पथ से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्मा ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये एक पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए सिरोधार्य है। सिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है, असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्मा ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरुजी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है, सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, ये ढोल के डंके पर कहते हैं। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने 1-2-4-20,000-2,000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है, अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूडमती भी इंसान समझ जाता है कि ये संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्मा दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं, जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि ग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर्क ही बोल सकता है, लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है और गॉड गिवन जो विचार है वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा, दैट्स ऑल, ये समझ लेना।
और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है, जो सदग्रंथों में लिखा है, और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का तो लिखा हुआ है और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ाके मारता है, वो ना धर्म गुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। सवाल नंबर 4। अधिकांश श्रद्धालुओं का मानना है कि गणेश जी की पूजा करने से पापों से मुक्ति और 3 तापों के भयंकर कष्टों से भी राहत मिल जाती है, लेकिन क्या वास्तव में गणेश जी इन 3 तापों को समाप्त करने और अपने भक्तों को पूर्णतः लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं? भगवान गणेश जी को मानने वाले श्रद्धालुओं और कथावाचकों का यह विश्वास है कि गणपति जी की भक्ति करने से पापों और 3 तापों के भयंकर कष्टों से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अगर हम इस बात को अपने मान्य ग्रंथों से तोलकर यानी मिलान करके देखें तो इसका बिल्कुल विपरीत कथन देखने को मिलता है, क्योंकि गणेश जी के पिता शिव जी स्वयं इतने समर्थ नहीं हैं, वे अपने भक्तों के प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी जो प्रारब्ध में लिखा है उसे वे कम ज्यादा नहीं कर सकते, जिसका स्पष्ट प्रमाण श्रीमद देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंध में है। देखिए श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंध, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल दो मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंध, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगे कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन, चेतन ये दुर्गा प्रकृति है, तो इसलिए कहते हैं आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ,
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुन आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सिद्ध हो गया। ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे, कि हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे, हर वो हनुमान राप पर लंगोट मांडा करते, हमने के देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते, आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, तो राज त्यागना पड़ो, तो शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती, वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम इंगड़ाई लेती है आत्मा, अको वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डड़े ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, पडड़े डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्षादि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूँ, जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था जितने इसकी अब जो स्थिति में यूँ खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमाने, यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा, ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तनु था भाई कितने कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी वीरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है, तू ऐसा करना
कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा लिया, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया, अच्छा जी पहुंचा, बालक की यह वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अक जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था आप भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की कि सब विकारों को सब वासनाओं को माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम कर्तव्य तो यही होता है, इसमें विकारों को विजय पाओ। अब जब तो नारद जी तो कह के आ गया, इब रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा, फिर पाछे ते काल ना प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लग गए सारे, और बालक बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि, तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि ते, 16 कला के भगवान है ये, और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर, दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी, अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा ऐसा ढूंढा, वो ख़त्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, अरब्या के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए, सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है, वहाँ बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी के भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बुढ़ी बात से, पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े हैं, पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जाकर के एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रगट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मुझे मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अकमांग अग्ना वचनबद्ध हो जाओ हो गया, आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया इवे, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जज के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई, उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी वहाँ जा बैठा, अकी भी इधर से आओगी जब दिखूँगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई थोड़ी सी पीछे हो के, बल्कि अकवा सकल उसके डूडर लागे के दे मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शक्ल देख, वो शीशा दिखा उसने, पानी दिखाया कटोरे में,
अपनी शकल देख कर आ, तू क्या हमने डर लागे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगे तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो यो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए, उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के, होके तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तू किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगाया है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूँ, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा, अपने आत्माओं। नारद जी पहले तो सिंगर के गया था, मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा, और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये तीन ताप होते हैं, इन तीन तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है, आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ, 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए, 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों, सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में आए वही, और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीन तापम। इससे स्पष्ट है कि गणेश जी के पास तीनों तापों के कष्ट को समाप्त करने और अपने भक्तों को पूर्णतः लाभ प्रदान करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को तीन तापों को नष्ट करने का वरदान भगवान शिव जी ने दिया था, लेकिन पवित्र सदग्रंथों में पहले ही यह पुष्टि की जा चुकी है कि भगवान शिव स्वयं नाशवान हैं और वे स्वयं साधक के तीन तापों के भयंकर पापों का नाश नहीं कर सकते। अब विचारणीय विषय यह है कि यदि गणेश जी, जो कि उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र हैं, तो वे पाप नाशक कैसे हो सकते हैं? वही अगर हम गणेश जी की समर्थता की बात करें, तो यदि वे सचमुच समर्थ होते तो उनका शीश केवल एक त्रिशूल के प्रहार से ही क्यों कटकर अलग हो गया। इसके अतिरिक्त भगवान शिव जी की समर्थता पर विचार करें तो स्वयंभू और भगवान होते हुए भी उन्हें अपने पुत्र पर हाथी का मस्तक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वे उसे क्षण भर में पहले की भांति ठीक क्यों नहीं कर सके? इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी के पास तीनों तापों को समाप्त करने और अपने भक्तों को पूर्णतः लाभ प्रदान करने की कोई क्षमता नहीं है। वे केवल किए गए कर्मों का फल दे सकते हैं, जो काल लोक के नियम के अनुसार सभी को मिलता ही है।
वास्तव में असली विघ्नहर्ता और लाभ प्रदान करने वाले भगवान तो आदि गणेश हैं। पवित्र शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि केवल आदि गणेश ही सभी पापों का नाश कर सकते हैं और तीनों तापों से पूर्ण मुक्ति दिला सकते हैं। गणेश जी भी अन्य देवी देवताओं की तरह सीमित शक्ति वाले देवता हैं, जो स्वयं भी उस आदि गणेश की शरण में हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार तीनों तापों से मुक्त होने और पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक को उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिसके माध्यम से ही सभी मनुष्य सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति केवल एक तत्वदर्शी संत के माध्यम से ही हो सकती है। सवाल नंबर 5, वास्तविक विघ्नहर्ता अर्थात आदि गणेश आखिर कौन है? भारतीय संस्कृति में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणेश जी का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारे पवित्र सदग्रंथों में आदि गणेश के बारे में क्या वर्णन मिलता है? इन दोनों भगवानों में से सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? आदि गणेश या शिव जी के पुत्र गणेश जी? हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यता के अनुसार गणेश जी को सभी देवों में सर्वप्रथम पूजनीय और सभी बाधाओं को दूर करने वाला विघ्नहर्ता माना जाता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि गौरीपुत्र गणेश वास्तव में समस्त विघ्नों को हरने वाले और साधक के पापों को नष्ट करने वाले असली भगवान नहीं हैं। अब यदि हम आदि गणेश की बात करें तो यह शब्द सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल नया और अनसुना है, परंतु हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि इस शब्द का उल्लेख पहले ही हमारे सबसे प्राचीन और माननीय ग्रंथ सूक्ष्म वेद में हो चुका है। लेकिन फिर भी जनमानस इससे अनभिज्ञ है और इसका प्रमुख कारण है वास्तविक ज्ञान की कमी। पवित्र ग्रंथों पर आधारित वास्तविक ज्ञान की संपूर्ण जानकारी वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जिन्होंने सदग्रंथों के प्रमाणों से स्पष्ट किया है कि वास्तविक विघ्नहर्ता और मंगलकारी भगवान तो आदि गणेश परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, जो हम सभी आत्माओं के पिता, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, भयंकर पापों को हरने वाले और हमें मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। दर्शकों, गणेश शब्द का अर्थ है प्रथम पूजनीय भगवान, गणों का प्रमुख, प्रजा के भगवान। सही मायनों में प्रजा के भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न आने दे और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आइए अब आपको पवित्र वेदों से परिचित करवाते हैं और आदि गणेश कबीर जी की समर्थता को प्रमाण सहित जानते हैं। देखिए, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्सर ज्ञान है, उनको ध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कैखे का पता नहीं था ध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा? वो जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा? सुन लो, साकार कैसे बनाओगा? साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सब कुछ जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, एक उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का डमू में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही
उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी असमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया, तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। अरे ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनु सदृश है वो। अपुनात्मा इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनके मोतिया बिंद है, जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपटंदा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86, भगवान साकार है या निराकार है वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है, और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका। ये अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करना करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो, कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान, 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पटकम 27वें पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है, तीसरे एक स्थान पर रहता है द्यूलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के एक स्थान पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है, आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82, और यहाँ देखें ये है 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो
सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजेव राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा, ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके, उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को, ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने, इनको भगवान में ले आ करके को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है, और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खींची आती है, उसी पर गिरती है, उसको उठवा कर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन जोगे हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सकें। और उनका की कर ले आँखें देखें, जब भी ना मानो उन्हें भगवान मिल लेगा, उन्हें तो काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब नौवें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं,
आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुनात्मा वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बात पुराण 18, वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा कर तिर में ऋषि को आगे, इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य यह सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड, वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। अभी आपने देखा कि वह आदि गणेश पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जो लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी में प्रकट हुए थे। अब देखिए कबीर परमात्मा साधक के घोर पाप का नाश कर देता है और काल के कर्म बंधनों से मुक्त कराकर मोक्ष प्रदान करता है, जिसके कारण उसे बंदी छोड़ भी कहा जाता है। देखिए प्रमाण, जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सत पुरुष की पूजा ना करके, हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे, और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो, कबीर साहब जो है, वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़ यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, ये यहां से छपा है, मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है, यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम बै बोला करें, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आ जा, जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला अगर हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है, तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी, ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं, अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, नहीं ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरी माने शत्रु, अरी
इसको संधि छेद कर अंग अरि, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ इब यू कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहां अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहां लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहां ये देखो कवि है, इन्होंने यहां कवि कर दिया इस पांचवें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम भारी माने बंधनों के, अरी माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा, अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरी माने शत्रु, बम माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामा सी, रित धामा सत धाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सत धाम कहें उन्हें सत धाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं, हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश किया, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है, देख कमाल की बात है, युद्ध भांग है पिया करता तिन्नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, 241 पृष्ठ पे है, अष्टमो अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषे, ये 13वां मंत्र है 13वां। इसमें क्या लिखा है, देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, पितर कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, अनस्य अनस्य एवजनम असी। ओए होए, अब इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहां देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है, इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया, अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मात्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ दिया इसने,
अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल वही है, और ये दान मठ गुहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समुल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे सनेकरे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे, बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा बता कोई बात है, तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने, और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गक दे तेरी अज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया इसका यही कारण था, दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया, जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नू कानू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में समाचार पत्र में कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, जो के जाने वेदों के बारे में, वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाल ला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे, इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब फिर अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम आठवें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देवकर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के, विनाश करने वाले हो, और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है,
इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया कि वास्तव में आदि गणेश अर्थात प्रथम भगवान कबीर साहिब हैं जो पाप नाशक और विघ्नहर्ता हैं। लेकिन गौरी पुत्र गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा गणेश जी की आरती और स्तुति गाई जाती है। हालांकि यह स्तुति गौरी पुत्र गणेश जी के लिए बड़े श्रद्धा भाव से गाई जाती है, परंतु उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि गणेश जी नाशवान हैं, अर्थात वे साधकों के पापों का नाश नहीं कर सकते बल्कि केवल किए गए कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम आदि गणेश परमेश्वर कबीर साहिब जी की बात करें तो यह स्तुति वास्तव में कबीर साहिब जी पर सिद्ध होती है, क्योंकि वे अपने साधकों के घोर से घोर पापों का नाश करने में पूर्णतः सक्षम हैं। प्रमाण के लिए आइए उनकी समर्थता की कुछ झलक देखते हैं। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास, कि ये वो परमात्मा है आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था, उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे, जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था, और अन्य जितने भी भारतवर्ष उस समय इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था, इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा दे रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पर कोई जल उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है, और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते हैं। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कंस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वेदों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वेन, सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं, उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अमरता क्या नहीं करता, वो दिल्ली वहां बनारस में पहुंच गया, काशी में। वीर देव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा, उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किशमिश सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से तेरी यजमानी से घड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहाँ एक काम आया हूँ, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीर देव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे, उनकी लीला देख के काशी नरेश। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि राजन,
आप अब ठीक ठिकाना आगे हो। ये परम संत परमात्मा आए हुए हैं। अपने आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीत ले है ना, जब जच्चा है सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं। अबीर देव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यू राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपके आज्ञा होगी सरोधारी है, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था, शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और बीर देव सिंह बघेल काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर सेवादार, उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले ही आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो पर उस जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा, क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। तो अब भी वो जो स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो तो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं, कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते हैं, वो क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे जे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा, मैं चल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति आधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को आधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते हैं, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब इस उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था, बाहर आंगन में कुटिया से बाहर। सिकंदर लोधी के उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सर फिरा, क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर उस सेवादार ने कहा, जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट, और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है, निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। इब कौन रोक के उसने, रामानंद सामने बैठे थे,
और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोदी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता है, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है आत्मा, मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले, सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोदी ने पता था कि परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया, और प्रणाम ना करेगा तो तेन पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते ने उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जब प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है, चरण पकड़ लिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा, उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे, भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया, उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है अपराध है सभी क्षमा कर दिया, वो तो जानी जानते, उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी, ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोदी ने सोचा, रे तेरा गजब हुई हो, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। कहने लगे, आजा तू, जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले, अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लो दीप कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए, दौड़े दौड़े के सिकंदर लो दिया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गया, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले, भाई कोई किसी नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया परमात्मा ने, दंडवत प्रणाम किया, किसको, जो सौ पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे, और देखो सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो धड़ वहां से उठ के, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंखें लाल करी, तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की, कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो, और महापुरुष ईर्ष्या नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं, आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ, फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु होगी थी
और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते गणा श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप वैसे महात्मा बने फरो थे, और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे, संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए, और जब तक शुद्ध नहीं हो गए भक्ति मोक्ष मिले नहीं। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था, और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोदी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपना आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत्कथा से कोसों दूर रहे, हमने राम कृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की, अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा, और पूरा विश्व शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। तो दर्शकों, इन सभी उल्लेखों से स्पष्ट हो गया कि अंधे को आंख देने वाले, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को माया देने वाले भगवान गौरी पुत्र गणेश नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान आदि गणेश कबीर साहिब जी हैं। साथ ही प्रथम पूजनीय गौरी पुत्र गणेश नहीं, बल्कि आदि गणेश सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा हैं, जिनकी कृपा से साधकों के सभी कार्य अपने आप संवर जाते हैं। वे ही वास्तव में अनुष्ठान और शुभ कार्यों के प्रारंभ में प्रथम पूजनीय और सर्वोच्च शक्ति युक्त भगवान हैं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि गणेश चतुर्थी का महोत्सव एक रूढ़िवादी परंपरा के तहत मनाया जाने वाला पर्व है, जिसके बारे में लोगों की अपनी अपनी मनमानी धारणाएं और भक्ति क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं साधक को किसी प्रकार का कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकती। इसके अलावा हमने प्रमाण सहित यह भी जाना कि गणेश जी की पूजा करने से साधक के न तो पाप नष्ट हो सकते हैं और न ही पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व को आदि गणेश कबीर साहिब जी की वास्तविक भक्ति केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से शास्त्रानुकूल सत भक्ति प्राप्त करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, मिलिए कैथल हरियाणा के रहने वाले सुभाष कटकर जी से, जो आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और यज्ञ हवन किया करते थे, परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी सुभाष जी के जीवन में दुख कम नहीं हो रहे थे। इनकी बेटी की बीमारी को लेकर सुभाष जी बहुत परेशान रहते थे। जब आर्य समाज में बताई गई भक्ति और यज्ञ से इन्हें कोई राहत न मिलती दिखाई दी, तब इन्हें तांत्रिकों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि तांत्रिक भी सुभाष जी को कोई राहत नहीं दे पाए। सुभाष जी का जीवन तब बदला जब इन्हें उस वक्त चल रहे जाट आरक्षण में संत रामपाल जी महाराज को जानने का मौका मिला, उनके ज्ञान को समझने का मौका मिला। सुभाष जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रोक्त साधना से क्या लाभ मिला, कैसे सुभाष जी का जीवन बदल गया, दर्शकों अब आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकड़, गांव नंदकरण माजरा, जिला कैथल हरियाणा।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन आगे चल के जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा और इसी दौरान ये सन मेरी एक लड़की है जो अब प्लस टू में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई राम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है जिसे ओपरी भी कहा जाता है माता वगैरह का, लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते उस लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियाणों के पास जाने लगा और कई सियाणों के पास गया, कम से कम 8-10 सियाणों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस प्रॉब्लम है वो थी, एक लड़का मेरा उसको नज़ला में, जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी, मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था, तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था, लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों पर तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर, लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के दो भगत हैं ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी, और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखे तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत, और मैं उनको देखता रहा और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना मोगा बठिंडा, और मेरे एकदम मुँह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था, लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और उन जो उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर और कोई भगत नहीं है, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था,
न मैं उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह कह के मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को दो पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने वह खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तू तने ये तो देख लिए सारे जो सियाणे वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा, तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले, उस टाइम सरसे वाला बीमार था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगे और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। वहाँ मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं तीन चार रह कर आया हूँ तीन चार दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती हमारी भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई, तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते, और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाणे भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया, तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई, नुकाय गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरुजी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई, गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घरवाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे, नुकाय जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंबा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको राम हो गया हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए, तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी, मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था, मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया, नाश में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिणिया ना, कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई, उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फड़ गांव है वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी और वो ये दिन है और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को
नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई, और मेरा भाई जो घर में मेरा विरोध भी कर रहे थे कि आपने ऐसे कैसे संत से नाम ले लिया, वो विरोध कर रहे थे, तो वो मेरा भाई गीता ले आया कुरुक्षेत्र से जाके कि देखें कहाँ ये प्रमाण। तो वो पुलिस में एसआई रिटायरमेंट है, उसने कहा भाई कहाँ है आपके, कहाँ लिखा हुआ है कि काल है। मैं बोला 11:32 में देख ले तू भाई काल लिख रखा है कि नहीं। तो ऐसे जो भी के शास्त्र विरुद्ध साधना कहाँ लिखी है, मैं 16:23 में देख ले ऐसा ये मंत्र लिखा हुआ है। तो उसने सब गीता ला करके, एक लड़का मेरा चाचा का था वो BSc कर रहा था, उसने भी देखा और प्रमाण देखे, तो उन दोनों ने भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण कर ली और भक्ति करने लगे। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था, एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना तो ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में। और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ, उसके बाद मैं उसको भी नाम दिलवा के लाया। इसी दौरान लगभग अब मेरे को 14-15 महीने हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएँ तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊँ कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो ये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया, अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो TV में एक पट्टी चली हुई पट्टी है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।